वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज कहानी है एक ऐसी छोटी बच्ची की जो हमेशा से अकेली रही है। उसने अपने सारे काम खुद से किए हैं। छोटी उम्र में ही इतनी ज्यादा बुक्स पढ़ ली कि मानो एक लाइब्रेरी उसके दिमाग के अंदर चलती हो। जब इस बच्ची को कहीं से प्यार नहीं मिला और हमेशा से इसे रिजेक्ट किया गया, तो ये अपने आप में इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि उसके पास में सुपर पावर्स आ गई। चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी इस छोटी बच्ची मटिल्डा के बारे में जानते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि इस समय हॉस्पिटल में थी और ये वॉर्मवुड फैमिली के अंदर पैदा हुई थी। इस बच्चे के पेरेंट्स का नाम हैरी और जीनिया था, जिन्हें लड़की चाहिए ही नहीं थी। लेकिन मटिल्डा के पैदा होने के बाद में भी उसका ध्यान नहीं रखा जाता, उसे इतना ज्यादा इग्नोर किया जाता है कि वो अपने आप ही धीरे धीरे करके खुद के काम करना शुरू कर देती है। इस बच्ची का नाम मटिल्डा रखा जाता है। 2 साल की उम्र के अंदर ही पूरे फैमिली वाले उसे छोड़ के चले जाया करते थे और घर से जाने के बाद मटिल्डा खुद का ब्रेकफास्ट खुद ही बना लिया करती थी। घर में जब उसे कोई बात नहीं करता था तो वो पूरे दिन भर बैठ के मैगजीन्स और बुक्स पढ़ा करती थी। वो बाकी बच्चों के जैसे टीवी नहीं देखा करती थी। जब एक दिन घर के सारे बुक्स और मैगजीन्स खत्म हो गई तो वो अपने फादर को और बुक्स लाने के लिए कहती है। हैरी, जो कि एक नालायक और आलसी आदमी था, वो मटिल्डा को कहता है कि तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं आता, तो तुम आखिर बुक्स लेके क्या करोगी। जिसके बाद मटिल्डा घर में रखी हुई डिक्शनरी के अंदर से लाइब्रेरी का नंबर निकालती है और वहाँ के एड्रेस तक अकेली ही पहुँच जाती है। लाइब्रेरियन से जब वो बच्चों वाले किताबों के बारे में पूछती है तो इस लाइब्रेरियन को लगता है कि आखिर ये बच्ची अकेली यहाँ तक कैसे आ गई। देखते ही देखते मटिल्डा यहाँ पे रोज आने लगी। उसे किताबों का बहुत शौक था और इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद मटिल्डा बहुत खुश रहती थी। एक दिन लाइब्रेरियन मटिल्डा को आइडिया देती है कि तुम लाइब्रेरी कार्ड बनवा लो, जिससे कि तुम बुक्स लेके घर भी जा सकती हो। और अब मटिल्डा हर हफ्ते जाके बहुत सारी बुक्स लेके आती थी और घर पे बैठ के पढ़ा करती थी। मटिल्डा की इसी रीडिंग की आदत से हैरी और जीनिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आया करता था। एक दिन हैरी आके मटिल्डा को कहता है कि तुम 4 साल की हो, तो मटिल्डा कहती है कि नहीं, मैं 6.5 साल की हूँ, आप लोग मुझे भूल गए थे। तब हैरी कहता है कि तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था इस टाइम। तो मटिल्डा कहती है कि ये बात तो आप लोगों को पहले सोचनी चाहिए थी। हैरी जाके खुद की वाइफ जीनिया से भी कहता है और जीनिया को भी नहीं पता था कि उसकी बेटी 6.5 साल की हो गई है। हैरी अभी भी मटिल्डा के ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और उसे कमरे के अंदर भेज देता है। हैरी सेकंड हैंड गाड़ियों का काम किया करता था, लोगों को खराब गाड़ियां बेच के बहुत सारा प्रॉफिट कमाता था। एक दिन हैरी अपनी गाड़ियों का प्रॉफिट लेके आता है और जहां पे बहुत खुशी खुशी वो अपने फैमिली को काउंट करने के लिए कहता है। उसका बड़ा बेटा माइकल, जो कि एक भोंदू लड़का था, उसे वो अपनी चारों गाड़ियों की प्रॉफिट लिखवाता है। लेकिन माइकल काउंट करता उससे पहले ही मटिल्डा काउंट करके सारे प्रॉफिट को पहले ही बता देती है। हैरी को लगता है कि उसने चीटिंग करी है और वो लड़की बहुत ज्यादा तेज है। इसी के कारण हैरी मटिल्डा को कमरे में बंद कर देता है। पहली बार मटिल्डा को बहुत बुरा लगा था, इसी के कारण अब वो रिवेंज लेना चाहती थी। वो रात में अपने पेरेंट्स के कमरे में जाती है और अपने फादर के सर में लगाने वाले ऑयल के अंदर ब्लीच डाल देती है। चुपचाप वो रूम से बाहर आ जाती है और अगले दिन जब हैरी उठ के अपने सर में ऑयल लगाता है, जिसके बाद वो ब्रेकफास्ट के टेबल पे पहुंचता है, तो जीनिया और माइकल दोनों को बिलीव ही नहीं होता कि आखिर हैरी के बालों के साथ ऐसा कैसे हो गया। अब बालों को छुपाने के लिए हैरी ने कैप पहन ली थी। ये वो दिन था जब हैरी मटिल्डा और माइकल यानी कि अपने दोनों बच्चों को अपनी सेकंड हैंड कार की शॉप पे लेके जाने वाला था। हमें पता चलता है कि यहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर हैरी के काम के ऊपर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इन्हें लगता था कि हैरी जरूर कोई बुरा काम करता है। हैरी माइकल को कहता है कि मेरे जाने के बाद इतनी बड़ी फैक्ट्री सिर्फ तुम्हारी होगी, लेकिन माइकल को लगता है कि ये तो टूटी फूटी जगह है जहाँ पे एक भी चीज काम की नहीं है। तब हैरी यहाँ पे अपने दोनों बच्चों के सामने अपने सीक्रेट्स के बारे में बताता है कि कैसे वो खराब गाड़ियों को ठीक करने की कोशिश करता है, वो भी सिर्फ ग्लू लगा के और लकड़ी का बुरादा भर के। मटिल्डा इन बातों पे चिल्लाती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये काम अच्छा नहीं है। तो हैरी कहता है तुम चुप रहो, तुम पैसे नहीं कमाती हो, पैसे मैं कमाता हूँ, तो इसमें लोगों को पागल बनाने से क्या फर्क पड़ता है। मटिल्डा अपने ही फादर को एक बार फिर से सबक सिखाने के लिए उनकी कैप के अंदर ग्लू लगा देती है। जीनिया को कार्ड्स खेलने का बहुत शौक था, इसी के कारण वो रोज ही कार्ड्स खेलने के लिए जाया करती थी। आज उसने भी कोई बड़ी बाजी जीती थी, इसी के कारण वो पूरी फैमिली को रेस्टोरेंट लेके जाती है। अंदर जाने के बाद जीनिया का कहना था कि हैरी तुम अपनी कैप उतारो, लेकिन कैप थी जो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि मटिल्डा ने उसके अंदर ग्लू जो डाला था। अब वहाँ पूरे रेस्टोरेंट के अंदर ये सब लोग तमाशा करने लगते हैं। घर आने के बाद जीनिया हैरी की जब कैप उतारती है तो उसे कई सारे बालों को काटना पड़ता है। हैरी बहुत गुस्सा था इन बातों से और वो फैमिली को कहता है कि अब हम सब बस टीवी देखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन मटिल्डा ऐसी नहीं थी, वो अंधेरे होने के बावजूद भी अपनी बुक्स ही पढ़ रही थी। इस बात से हैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो सारी लाइट्स बंद कर देता है और मटिल्डा के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें अब सिर्फ टीवी देखनी है। इवन वो मटिल्डा की बुक्स तक भी फाड़ देता है। मटिल्डा को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो टीवी देखते देखते अपने आप ही ब्लास्ट हो जाती है। अब आखिर ये मटिल्डा ने किया था या फिर ये सब कुछ एक कोइंसिडेंट था, ये तो धीरे धीरे आगे पता चलने वाला था। हैरी के पास एक नई क्लाइंट आई थी जिनका नाम था मिस ट्रंचबुल। ये एक स्कूल की प्रिंसिपल हुआ करती थी। अब स्कूल की प्रिंसिपल होने के कारण हैरी मटिल्डा को भी इसी स्कूल में भेज देता है। जो भी था, मटिल्डा बहुत खुश थी क्योंकि उसे अब नए दोस्त मिलने वाले थे, उसे स्कूल जाने को मिलेगा और नई नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। लेकिन वहाँ का माहौल तो पहले से ही बहुत ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि हर जगह मिस ट्रंचबुल का खौफ था। बच्चे उसे बहुत ज्यादा डरा करते थे क्योंकि वो किसी भी बच्चे को कोई भी
भी सजा दे सकती थी, उन्हें उठा के फेंक देती थी। और सबसे बुरी सजा तो थी कि वो बच्चों को उठा के चौकी में डाल देती थी। चौकी का मतलब था एक ऐसा अंधेरा कमरा जिसके अंदर कई सारे कांच और नुकीली चीजें हैं। मैटिल्डा को लगता है कि ये सब फिजूल की बातें हैं, ऐसा असलियत में हो ही नहीं सकता, कोई टीचर किसी भी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाती। लेकिन उसी समय मिस ट्रेंचबुल यहाँ पहुँच जाती है और एक छोटी सी लड़की जिसके थोड़े बड़े बाल थे लेकिन उसने चोटी बना रखी थी, लेकिन मिस ट्रेंचबुल को ये चीज पसंद नहीं आई और वो इस बच्ची को बालों के साथ ही उठा के गोल गोल घुमा के बहुत दूर फेंक देती है। अच्छी बात ये हुई कि उस बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ था। अब तक मैटिल्डा के साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन क्लासरूम में आने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसके सामने दुनिया की सबसे अच्छी टीचर बैठी थी जिनका नाम था मिस हनी। वो सारे बच्चों से बहुत प्यार से बात करती है और अच्छे से चीजें भी सिखाती है। मिस हनी कहती है कि तुम धीरे धीरे करके सारी मैथ सीख जाओगे, आगे जाके तुम बड़े बड़े नंबर्स को भी कैलकुलेट कर लोगे। इतनी ही देर के अंदर मैटिल्डा उनके कुछ नंबर्स को पकड़ लेती है और उसे कैलकुलेट करके हैंड टू हैंड बता देती है। मिस हनी को बिलीव ही नहीं होता कि आखिर मैटिल्डा ने ये किया कैसे। तब मैटिल्डा कहती है कि हाँ, मुझे बड़े नंबरों के कैलकुलेशंस करना आती है। मिस हनी भागती हुई जाती है मिस ट्रेंचबुल के पास में और उन्हें सब कुछ बताती है कि मैटिल्डा एक बहुत स्मार्ट लड़की है, उसे सब कुछ आता है, हमें उसे इस छोटी क्लास में नहीं रखना चाहिए बल्कि हमें उसे प्रमोट कर देना चाहिए। लेकिन ट्रेंचबुल को लगा था कि जरूर मिस हनी मैटिल्डा की शिकायत करने आई है और मैटिल्डा एक अच्छी लड़की नहीं है। लेकिन मिस हनी उन्हें समझाती है, प्लीज आप समझिए, वो बच्ची बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन मिस ट्रेंचबुल उनकी कोई बात नहीं सुनती और मैटिल्डा को मिस हनी की क्लास में ही रहने देती है। मैटिल्डा पहले दिन जब अपने घर से लौटती है तो उसे पता चलता है कि इनके घर के बाहर दो पुलिस ऑफिसर है जो कि घर पे काफी दिनों से नजर रख रहे हैं। मैटिल्डा को लगा था कि उसकी मॉम उससे जरूर पूछेगी कि उसका पहला दिन कैसा रहा, लेकिन ज़ीनिया उससे कुछ भी नहीं पूछती। एक दिन मिस हनी वॉर्मवुड्स के घर पे आती है जहाँ पे हैरी को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो मैटिल्डा की टीचर से मिले। तब मैटिल्डा की टीचर यानी कि मिस हनी हैरी के ऊपर चिल्लाने लगती है कि क्या आपको समझ में नहीं आता कि मैं उस बच्ची की टीचर हूँ और मुझे आपसे बात करनी है, आपकी बच्ची बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्या ये बात आपको अब तक भी नहीं पता चली। तो हैरी और ज़ीनिया दोनों इस बात को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे, साथ ही में वो मैटिल्डा के टैलेंट को भी नहीं जानते थे। मिस हनी इन बातों से परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि इस फैमिली का कुछ नहीं हो सकता। इसी के कारण वो जाने से पहले मैटिल्डा के लिए बड़ी क्लास की बुक्स वहीं पे छोड़ जाती है। अगले दिन मिस ट्रेंचबुल ने पूरे स्कूल को असेंबली रूम में बुलाया था, वहाँ पे वो एक ब्रूस नाम के लड़के को स्टेज पे बुलाती है। ब्रूस ने असल के अंदर मिस ट्रेंचबुल के रूम में रखी हुई पेस्ट्री को खा लिया था, इसी के कारण मिस ट्रेंचबुल ब्रूस को पनिशमेंट देना चाहती थी। वो पहले ब्रूस के लिए एक बहुत बड़े केक का पीस लाती है, वो तो ब्रूस ने खत्म कर लिया था, लेकिन मिस ट्रेंचबुल को और ज्यादा गुस्सा आता है, इसी के कारण वो ब्रूस के लिए बहुत बड़ा केक मंगाती है जो बेचारा ब्रूस नहीं खा पाता। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो हार मान जाता है, लेकिन मिस ट्रेंचबुल ने कहा था कि अगर ब्रूस ये पूरा केक खा लेगा तो उसे किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अब मैटिल्डा और मैटिल्डा के साथ में बाकी सारे बच्चे भी ब्रूस को चीयर अप करने लगते हैं ताकि उसे कोई भी पनिशमेंट ना मिले, और ब्रूस ने पूरा केक खत्म कर दिया था। लेकिन ये चीज तो मिस ट्रेंचबुल के बहुत ज्यादा खिलाफ हो गई थी, इसी के कारण वो ब्रूस को सजा देने के लिए अपने साथ ले जाती है और साथ ही में बाकी सारे बच्चों को भी पनिशमेंट मिलती है ज्यादा टाइम तक यहाँ रुकने के लिए। रात होने पर जब मैटिल्डा घर लौटती है तो हैरी पूछता है कि आखिर तुम इतने टाइम तक कहाँ थी। तो मैटिल्डा बताती है कि आज स्कूल के अंदर क्या हुआ, साथ ही में वो ये भी बताती है कि हमारे घर के बाहर दो लोग हैं जो कि काफी दिनों से हैं और वो पुलिस ऑफिसर्स हैं। लेकिन हैरी और ज़ीनिया को इनसे कोई मतलब नहीं था, उन्हें लगता है कि ये जरूर स्पीड बोट चेक करने के लिए आए होंगे, और अगर कोई पुलिस ऑफिसर होता तो हैरी उसे जरूर पहचान लेता। अगले दिन मैटिल्डा और उसकी बेस्ट फ्रेंड लैवेंडर साथ ही में बाकी के कुछ और बच्चे एक मेंढक की स्पीशीज जिसे न्यूट कहा जाता है जो कि थोड़ा बहुत छिपकली के जैसे दिखता है उसे अपने साथ ले आते हैं। स्कूल में आके ये बच्चे उस न्यूट को देख ही रहे थे कि तभी मिस ट्रेंचबुल आ जाती है जिसकी गाड़ी काफी ज्यादा खराब हो रही थी, और ये गाड़ी उसने मैटिल्डा के फादर यानी हैरी से खरीदी थी। अब गाड़ी खराब होने की सजा मैटिल्डा को मिलती है। मिस ट्रेंचबुल मैटिल्डा को उठा के सीधा चौकी में ले जाती है और वहाँ उसे बंद कर देती है। साथ ही में मिस ट्रेंचबुल अब क्लास के अंदर आती है सारे बच्चों से बात बात करने के लिए। लैवेंडर सोचती है कि बहुत टाइम हो गया, अब तो मिस ट्रेंचबुल को मजा चखाना पड़ेगा। इसी के कारण मिस ट्रेंचबुल जिस जग के अंदर से पानी पीने वाली थी उसी जग के अंदर वो न्यूट को डाल देती है। पीछे से मिस हनी जाके मैटिल्डा को चौकी से बाहर निकाल देती है। यहाँ मिस ट्रेंचबुल सारे बच्चों को परेशान कर रही थी, उन्हें गलत सलत बोल रही थी। इसी समय वो पानी का ग्लास उठाती है और उसके अंदर न्यूट भी आ जाता है जिस पानी को वो पी लेती है, और कुछ ही देर के अंदर मिस ट्रेंचबुल को न्यूट भी दिखाई देता है जिसके कारण वो बहुत जोर से चिल्लाती है और ग्लास भी गिर जाती है। लेकिन मैटिल्डा की आंखों के अंदर कुछ ऐसा था, वो न्यूट जाके सीधा मिस ट्रेंचबुल के शोल्डर पे आ जाता है जिसके कारण वो बहुत जोर से चिल्लाती है और डांस करने लग जाती है। सारे बच्चे तो बहुत जोर से हंसते हैं। उस टाइम तो मिस ट्रेंचबुल चली जाती है, लेकिन वो बोल के जाती है कि तुम बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगी। जब बच्चे इस क्लासरूम से चले जाते हैं तो मैटिल्डा मिस हनी को कहती है कि वो पानी का ग्लास मैंने गिराया था। मिस हनी को इस बात पे बिलीव ही नहीं होता। मैटिल्डा कहती है कि मैं आपको ऐसा वापस से करके दिखा सकती हूँ। मैटिल्डा अपनी आंखों का इस्तेमाल करती है और उस ग्लास को हिलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मिस हनी के सामने ऐसा नहीं हो पाता। मैटिल्डा बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो इस चीज को प्रूव करना चाहती है कि उसके पास में पावर्स है। तब मिस हनी कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी। मैटिल्डा बड़ी खुशी खुशी मिस हनी के साथ उनके घर तक जाती है जहाँ पे मिस हनी मैटिल्डा
को एक स्टोरी सुनाती है कि बहुत सालों पहले एक बहुत अच्छा कपल हुआ करता था और उनकी एक बेटी भी थी जिसे वो बहुत प्यार करते थे। लेकिन कुछ ही सालों बाद में उस लड़की की मॉम की डेथ हो जाती है और उस छोटी सी बच्ची को संभालने के लिए उसके फादर उसकी मौसी को यहाँ ले आए थे। वो लेडी सबके सामने बहुत अच्छा बिहेव करती थी, लेकिन उसके फादर के जाने के बाद में उस छोटी बच्ची से बहुत काम करवाती थी, उसे बहुत मारती पीटती थी। कुछ ही सालों बाद में उस बच्ची के फादर ने भी सुसाइड कर लिया। बड़े होने के बाद में उस बच्ची को उसकी मौसी ने घर से निकाल दिया। वो बच्ची अब एक छोटी सी जगह पे घर बना के रहती है जिसके आसपास कई सारे प्यारे प्यारे फूल्स और वेजिटेबल्स हैं। और उसकी मौसी एक बहुत बड़े घर में रहती है जो कि उस बच्ची का ही घर था। जब मटिल्डा मिस हनी के घर के बाहर पहुंचती है तो वो समझ जाती है कि ये स्टोरी और किसी की नहीं बल्कि मिस हनी की है। और वो छोटी सी लड़की जरूर मिस हनी ही थी जिनका घर अब उनके पास नहीं है। और वो जो बुरी लेडी यानी कि मौसी थी वो मिस ट्रंचबुल थी जिन्होंने मिस हनी के साथ में बहुत बुरा किया था। मिस हनी बताती है कि मैं इस घर में खुश हूँ जैसा भी है, लेकिन आखिर ये मेरा घर है। मटिल्डा कहती है कि हमें उस घर पे चलना चाहिए। मिस हनी कहती है कि उस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है, साथ ही में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी पड़ी है। मटिल्डा मिस हनी को लेके मिस ट्रंचबुल के घर के सामने पहुंच जाती है। उसी समय मिस ट्रंचबुल अपना सामान पैक करके कहीं बाहर जाने वाली थी तो मटिल्डा मौका देख के घर के अंदर पहुंच जाती है। मिस हनी डरी हुई थी लेकिन फिर भी मटिल्डा के कहने पे वो भी घर के अंदर आ जाती है, जहाँ पे मिस हनी उसे अपने घर से रिलेटेड काफी सारी चीजें दिखाती है और बताती है कि इस जगह पे मेरे फादर की तस्वीर लगी हुई थी। रास्ते के अंदर मिस ट्रंचबुल की गाड़ी खराब हो जाती है और वो गाड़ी को मोड़ के वापस से घर की तरफ ही आने लगती है। मिस हनी मटिल्डा को एक चॉकलेट बॉक्स दिखाती है जो कि उसका सबसे फेवरेट हुआ करता था। ऊपर रूम में जाने के बाद मिस हनी अपने फादर की तस्वीर देखती है, साथ ही में अपने पुराने कमरे को भी देखती है जहाँ पे उसकी डॉल आज भी रखी है। ये दोनों डॉल उठा के वहाँ से जाने ही लगते हैं कि इतनी ही देर में यहाँ मिस ट्रंचबुल पहुँच जाती है जो कि फोन पे हैरी के ऊपर चिल्ला रही थी कि तुमने आखिर मुझे कितनी बुरी गाड़ी बेची है। उसी समय मिस ट्रंचबुल का ध्यान उस चॉकलेट के बॉक्स पे आ जाता है जिसके ऊपर का कवर आधा खुला था। इसी समय मिस ट्रंचबुल को समझ में आ जाता है कि घर में जरूर कोई ना कोई है। मिस हनी मटिल्डा को कहती है कि अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, तुम किचन के रास्ते से जाओ, मैं इसका ध्यान भटकाती हूँ। मटिल्डा जब किचन के रास्ते से जाने के लिए एक सीढ़ियों का रास्ता चुनती है तो वहाँ पे बहुत सारा सामान रखा था और वो सारा सामान गिरने से आवाजें होने लगती है। मटिल्डा कैसे तैसे आके किचन तक पहुँच गई थी लेकिन तब तक दरवाजा नहीं खुलता और वो डाइनिंग टेबल के ऊपर चिपक जाती है। इतनी ही देर में मिस हनी दूसरी तरफ से आवाज करती है तो मिस ट्रंचबुल इस आवाज का पीछा करते हुए ऊपर पहुँच जाती है। अब बहुत भाग दौड़ के बाद में आखिरकार मटिल्डा और मिस हनी एक दूसरे की जान बचाते हुए इस घर से बाहर निकल जाते हैं। मिस हनी मटिल्डा को कहती है कि आज के बाद हम इस घर में कभी नहीं आएंगे, तो मुझसे प्रॉमिस करो। मटिल्डा को ना चाहते हुए भी प्रॉमिस करना पड़ता है, जिसके बाद सीन घर पे शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जीनिया उन्हीं दो स्पीड बोट वालों को अपने घर ले आई थी जो कि असल के अंदर पुलिस ऑफिसर्स थे। अब तक हैरी भी यहाँ पे पहुंच चुका था जो कि इन दोनों को भगा देता है। अब मटिल्डा को खुद की पावर्स का यूज करना था लेकिन उससे पहले उसे गुस्सा आना जरूरी था। वो हैरी को बोलता है कि आप मुझ पे चिल्लाइए, मुझे जोर से डांटिए। हैरी जब मटिल्डा के ऊपर चिल्लाता है तो वो अपनी पावर्स का यूज करती है और उससे दरवाजा बंद हो जाता है। अब मटिल्डा को अपनी पावर्स को और ज्यादा पॉलिश करना था, इसी के कारण वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल सुबह ब्रेकफास्ट के टेबल पे करती है। देखते ही देखते अब मटिल्डा की पावर्स काफी ज्यादा अच्छी होने लगी थी, वो हर एक चीज को कंट्रोल कर सकती थी। एक दिन वो देखती है कि उसके घर के गैरेज के अंदर वही दो पुलिस ऑफिसर चेकिंग कर रहे थे, लेकिन मटिल्डा वहाँ पे पहुँच जाती है और अपने मैजिक से उन्हें बहुत परेशान करती है। साथ ही में उनके पास जो रिकॉर्डिंग थी उसके फादर की, उसे भी मटिल्डा चुरा लेती है अपने फादर को एक और मौका देने के लिए ताकि उसके फादर सुधर सके। लेकिन वो मिस ट्रंचबुल को सबक सिखाना चाहती थी, इसी कारण रात होने पे मटिल्डा ट्रंचबुल के घर पे पहुंच जाती है। पहले तो वो पेड़ पे जाती है और अपनी पावर से उस डॉल को अपने पास ले आती है, जिसके बाद वो नीचे पहुंच के मिस ट्रंचबुल को बहुत मजा चखाती है। पूरे घर के अंदर जोर जोर से हवा लाने लगती है, साथ ही में सारा सामान इधर उधर गिर रहा था, घड़ी में बार बार टाइम चेंज हो रहा था, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजने लगे थे। इन सारी चीजों से मिस ट्रंचबुल डरने लगी थी क्योंकि उसे पता था कि उसने मिस हनी के फादर को मारा है। लेकिन उसी समय मिस ट्रंचबुल को घर के पेड़ पे एक रिबन मिल जाता है और ये रिबन और किसी का नहीं बल्कि मटिल्डा का था। अगले दिन मटिल्डा स्कूल में आके मिस हनी को उनकी डॉल वापस करती है, लेकिन उसी समय यहाँ मिस ट्रंचबुल पहुंच जाती है। क्लासरूम में आने के बाद मिस हनी मटिल्डा को समझाती है कि मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम आखिर वहाँ क्यों गई। तो मटिल्डा कहती है कि मैंने आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ा, मैं घर पे नहीं गई बल्कि मैंने अपनी पावर्स से ऐसा किया। मिस हनी को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मटिल्डा के पास में पावर्स है। तभी मटिल्डा अपनी पावर्स का यूज करती है और पानी से भरे हुए जग को हवा में उठा देती है। तब जाके मिस हनी को बिलीव होता है कि मटिल्डा के पास सच में सुपर नेचुरल पावर्स है। अब यहाँ पे कल का बदला लेने के लिए मिस ट्रंचबुल क्लासरूम में पहुंच गई थी और हर एक बच्चे को एक साथ लाइन में खड़े होने के लिए कहती है। साथ ही में वो वाला रिबन भी दिखाती है जो कि उसे कल रात अपने ही घर के पेड़ पे मिला। मिस ट्रंचबुल को पता चल गया था कि ये काम मटिल्डा का है। वो मटिल्डा को बहुत बुरी तरीके से मारने ही वाली थी लेकिन उससे पहले मिस हनी उसे रोक देती है, लेकिन फिर भी ट्रंचबुल नहीं रुकती। और अब देखते ही देखते मटिल्डा अपना मैजिक करना शुरू करती है। वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखना शुरू करती है कि अगाथा तुमने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है, मैं मेगन हूँ यानी कि मिस हनी का फादर, तुमने मेरी बेटी से जो भी चुराया है तुम सब कुछ उसे वापस दे दो, ये स्कूल और वो घर सब कुछ मेरी बेटी का है।
है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ में भी वैसा ही करूंगा जैसा तुमने मेरे साथ किया। इतना सुनने के बाद तो मिस ट्रंचबुल बुरी तरीके से डर चुकी थी और अब मटिल्डा चौक से भरे हुए डस्टर को उठा के सीधा मिस ट्रंचबुल के ऊपर फेंकती है, जिससे कि ट्रंचबुल नीचे गिर जाती है, जिसके बाद मिस ट्रंचबुल को बहुत गुस्सा आता है। इसी के कारण वो एक बच्चे को उठा के क्लासरूम के विंडो से बाहर फेंक देती है, लेकिन मटिल्डा अपनी पावर से उसे बचा लेती है और सीधा रूम के अंदर ले आती है, जिसके धक्के से मिस ट्रंचबुल एक बार फिर से गिर जाती है। अब तो स्कूल का एक भी बच्चा उसे नहीं माफ करता, सारे बच्चे उसके ऊपर खाना फेंकने लग जाते हैं। इतनी बुरी हालत होने के बाद मिस ट्रंचबुल वहाँ से भागने लगती है और आखिरकार अब सारे बच्चों को मिस ट्रंचबुल से छुटकारा मिल गया था। आखिरकार मिस हनी को स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया, साथ ही में मिस हनी को उसका पुराना घर भी मिल गया। मटिल्डा जब एक दिन मिस हनी के साथ बैठी थी तो उसी दिन हैरी और जीनिया उसे लेने के लिए आते हैं कि हम लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। मटिल्डा ने पहले भी हैरी को समझाया था कि आपके ऊपर पुलिस वाले नजर रख रहे हैं। मटिल्डा इन दोनों के साथ में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि ये दोनों उसे अपनी बेटी मानते ही नहीं थे। तब मटिल्डा मिस हनी को समझाती है कि आप मुझे अडॉप्ट कर लीजिए, आप ऐसा कर सकती हैं। इसी के कारण वो हैरी और जीनिया से अडॉप्शन के पेपर साइन करवा देती है, जिससे कि मिस हनी मटिल्डा को गोद ले सके। और अब मिस हनी की भी फैमिली पूरी हो चुकी थी, साथ ही में मटिल्डा को भी मिस हनी जैसी बहुत अच्छी टीचर अपने साथ रखने लगी थी। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।